जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीति का पारा भी गर्माता जा रहा है। चुनाव पे चर्चा हर जगह है, कोई चौराहा, कोई चौबारा, कोई दुकान ऐसी नहीं है जहां चुनाव पर चर्चा ना हो रही हो। इस वक्त न्यूज 18 की टीम कानपुर की एक प्रतिष्ठित दुकान बदनाम चाय पर खड़ी, आप देख सकते हैं बाबा बदनाम चाय है। यहाँ रोज सैकड़ों की संख्या में रोज सुबह दोपहर शाम बने रहते हैं, और चाय की बात अगर करें तो इसकी चाय बड़ी मशहूर है। चाय के तमाम हुंडे आप देखे जा सकते हैं, और युवा भी यहाँ खड़े हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ खड़े हैं जो इसकी बदनाम चाय को लेने आए। क्यों बदनाम चाय, यानी नाम भी ऐसा है बदनाम। हम सर से ही बात करते हैं, सर क्या कारण है बदनाम चाय नाम क्यों रखा है? जिसका नाम है वही तो बदनाम है, नाम बदनाम है और क्या। आजकल चुनाव पे चर्चा चल रही खूब, अरे दम्बल चल रही है, सुबह से शाम तक चुनाव पे चर्चा चल रही है, दिन भर यही बात चलती है और क्या। चलिए आप सुनते रहते हैं ये सब बातें कि नहीं? बिल्कुल, ये सुबह से शाम तक यही सुनते रहते हैं आप। मोदी योगी की चर्चाएं चल रही है और क्या। अच्छा चलिए हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं, हमारे पीछे देखे युवा लोग खड़े हैं, हर वर्ग से लोग खड़े हैं। पहले यूथ पे हम जाना चाहते हैं, आपका वोट है सर? नहीं अभी वोट नहीं, आपका वोट है? हाँ। पहली बार कास्ट करेंगे? हमारा वोट है। क्या क्या चर्चाएं चल रही है सर? चर्चाएं यही चल रही है, हमारे यहाँ तो भाजपा आने वाली है। अच्छा कुछ काम वाम हुआ है जो लग रहा है आप लोगों को? हाँ, जैसे हमारे यहाँ जैसे रोड वगैरह खराब थे तो रोड वगैरह बनाए गए हैं, और हम गांव साइड रहते हैं तो लाइट वगैरह की व्यवस्था सही की गई है। ओके। और टंकी वगैरह बनवाई गई है पानी के लिए। अच्छा अगर कंपटीशन की बात चल रही है, क्या चला, किसके बीच टक्कर समझ आ रही है? अभी टक्कर तो इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा, और पहली बार है हमारा तो इतना तो कुछ नॉलेज है। चलिए सर हम आपके पास जाना चाहते हैं, चाय की चुस्की आनंद उठा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या बातें चल रही सर इस वक्त? इस बार चुनाव में 400 पार का जो इन्होंने एक स्लोगन दिया हुआ है तो जनता थोड़ा कंफ्यूज है कि 400 क्या पार होगा, 400 पेट्रोल पार होगा, 400 कड़वा तेल पार होगा, 400 में मतलब क्या क्या है छुपा हुआ, ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जी। और चुनाव है, बढ़िया चुनाव चल रहा है इस समय, अभी कैंडिडेट हमारे यहाँ खाली वो बताए गए हैं, नामांकन की डेट आने वाली, जब नामांकन हो जाएगा लोग प्रचार पर निकलेंगे तब समझ में आएगा किसका ज़्यादा चल रहा है। आपके यहाँ कब वोटिंग है कानपुर में, कब है मालूम है? 13 तारीख को है यहाँ, 13 मई को। 13 मई को है, और ये अभी 19 अप्रैल से यहाँ पे नामांकन की डेट है, 19 अप्रैल को नामांकन होंगे, सारे कैंडिडेट जब मैदान में आ जाएंगे तब पता चलेगा। अच्छा चलिए इन 5 वर्षों में कितना काम हुआ आपके संज्ञान में, आप किस ट्रेड से पहले बताइए? हम आइसक्रीम का बिजनेस करते हैं। हाँ, और यहाँ चाय पीने आए। क्या कहेंगे सर? नहीं काम तो जितनी सरकारें आई है आज़ादी के बाद से सभी ने किया है, लेकिन किसके हित में किया ये समझने वाली बात है, और सरकार ने ज़्यादातर बड़े लोगों को काम किए हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, इधर आइए सर, आप चाय तो आप पी रहे हैं, क्या हंसी कुछ कह रही, क्या कहना चाहेंगे सर? इस बार तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हमारे क्षेत्र में 2 प्रत्याशी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, सपा के कैंडिडेट भी हैं और बीजेपी के भी हैं। अच्छा जी, दोनों प्रत्याशियों में जम के टक्कर होगी। जम के टक्कर समझ आ रही है जी, मतलब घुसानाथ वाली की वोटिंग वाली? नहीं नहीं, वोटिंग वाली ही टक्कर होगी। हाँ। बहुत जबरदस्त। वर्तमान में किस पार्टी के सांसद हैं और कितने आप संतुष्ट हैं उसके कार्य से? कार्य संतुष्ट जनता नहीं, इसीलिए तो टक्कर की संभावनाएं हैं। टक्कर की। सर आप किस ट्रेड से हैं, क्या कहेंगे सर? सर मैं प्राइवेट काम करता हूँ, मैं तो यहाँ चाय पीने के लिए आया हुआ था। हाँ। और योगी और मोदी जी यूपी के लिए तो बेस्ट हैं, देश के लिए बेस्ट हैं योगी और मोदी जी, बस ये कहना चाहता हूँ। योगी मोदी बेस्ट है, बेस्ट है। कैंडिडेट का नाम नहीं जानते आप? नहीं जानता हूँ नाम। अच्छा कैंडिडेट जानते नहीं, कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा नहीं पता मुझे। अच्छा यहाँ कौन प्रत्याशी आपको नहीं मालूम? नहीं पता मुझे। भाजपा से कौन है नहीं मालूम? नहीं पता। सपा से कौन है, गठबंधन से? नहीं नहीं पता, इतने काम के ध्यान नहीं दे पाता हूँ कौन खड़ा है यहाँ से, ना कुछ। तो क्या जहन में बात चल रही है? जहन में पता चल रहा है इससे अच्छे दो नेता तो मिलेंगे ना यूपी को ना देश को, मोदी जी से और योगी जी से, अच्छे प्रदेश को और देश को। चलिए सर आपसे जानना चाहते हैं, आप किस ट्रेड से हैं, क्या चल रहा है चर्चाएं और कैसी घमासान दिख रही थी? मेरा फूडिंग का काम है, और घमासान की बात यह है कि पहली बात तो यह कि आदमी को वोट जरूर करना चाहिए था, अगर वोट ना करे उसके बाद डेमोक्रेसी को वो आरोपित करे कि डेमोक्रेसी सही नहीं है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि वोट जरूर करने जाए। और बाकी इस क्षेत्र में जो काम है जी। काम की बात यह है कि काम जो भाजपा जो सरकार रही है उसने अपने यथोचित काम किया है, मगर कुछ काम शेष है और हमें ये आशा है कि वो आगे चल के इसको पूर्ण करेंगे, तो हम चाहते हैं कि हम इस बार भाजपा को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे सर, कुछ काम हुए आप कैसे करें, कुछ है कुछ अधूरे, क्या काम आपको लगता है हुए हैं इस लोकसभा में, और क्या लगता है प्रत्याशी इस बार नया चेंज हुआ है उससे कितना फर्क पड़ेगा? प्रत्याशी जो उनके गठबंधन ने जो भी चेंज किया है वो अपनी इंटरनल मीटिंग के अकॉर्डिंग जो भी तय किया है उस विशेष पे मेरा मतलब नहीं, क्योंकि सरकार तो केंद्र से चलती है। सर आपका वोट है? नहीं है। वोट नहीं है? नहीं है। चार चर्चा चल रही दुकान पे, क्या सुनते रहते हैं, क्या बातें चल रही है? वही चुनाव के बारे में बात चल रही है। किसका किसकी बात चल रही है सर यहाँ?
सपा की और भाजपा वगैरह की, सपा और भाजपा की बात चल रही है। चलिए हम चाय वाले भैया के पास जाते हैं। भैया दिन भर में इतनी बढ़िया चाय बनाते, लोग खिंच के आता है, सबसे ज्यादा क्या मेजोरिटी सुनाई देती है? सबसे ज्यादा भाजपा की सुनाई देती है। अच्छा, बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, यहाँ प्रत्याशी दूसरा हुआ है जो सांसद, उसको टिकट नहीं मिला, दूसरे मिला, क्या कहेंगे सर? भोले सिंह। क्या? भोले सिंह है, एक नंबर के प्रत्याशी। एक नंबर के प्रत्याशी है। लोग कहते हैं कि आपको सुनाई दे रहा है? नहीं, लोग कहते हैं कि उन्हें सुनाई देता है, लोग बताते हैं। यह बढ़िया है, सुरेंद्र मेहतानी है इधर गोविंद नगर से। चलिए, एक सज्जन हमारे पास यहाँ खड़े हैं, सर से हम जाना, एक्सक्यूज मी सर, सर आपसे, सर एक सेकंड जाना चाहेंगे। सर, इस वक्त चुनाव चल रहा है, सरगर्मियाँ तेज हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं सर? सर, चर्चा तो वही मोदी एंड योगी चल रही है, भाजपा के लिए थोड़ा लोग सपोर्टिव हैं। ओके सर, चाय की दुकान में चाय पी आपने? बिल्कुल। चाय पे चर्चाएं भी यही चल रही हैं सर, मजा आता सुनने में? नहीं, मैं थोड़ा इंटरेस्ट कम लेता हूँ सर, है ना? हर जगह यही, हाँ, यही चर्चा चल रही है सर, हर जगह यही चर्चा। आप देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या युवा हैं, कोई व्यापार से जुड़े हैं, कोई अपने ट्रेड से, कोई जॉब करते हैं, ऐसे में हर व्यक्ति इस वक्त चुनाव पर चर्चा करना है। कुछ का कहना है कि उन्हें सरकार से मतलब नहीं है, उन्हें किसी काम से, किसी कहना है हमें सिर्फ मोदी योगी से मतलब, किसी का मतलब प्रत्याशी से कोई लेना, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए, चर्चाओं का अंत नहीं होता है, चर्चा चर्चा पे चर्चा और उस पर चर्चा होती है, और ऐसे में फैसला आएगा, तब जाके पता चलेगा कि इनके जहन में वास्तविकता थी क्या। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर।